नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल टूर व्लॉग। आज आपको लेकर चलते हैं सुमित्रा हॉस्पिटल में गायनी डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता के पास में, और उनसे जानते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में फास्ट फूड लेना सेफ है। हेलो मैम, तो जैसे कि फास्ट फूड आजकल के माहौल के हिसाब से बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाला फूड बन गया है, तो क्या प्रेगनेंसी में भी फास्ट फूड ठीक रहता है? क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए फास्ट फूड लेना सेफ है? देखिए, फास्ट फूड तो सबके लिए ही नुकसान करता है। हर चीज मैं मानती हूँ कि लिमिट में होना चाहिए, है ना। प्रेग्नेंट लेडीज की हम बात करें तो आजकल बहुत स्ट्रीट फूड खाने वाले पेशेंट्स हम देख रहे हैं जो बीमार पड़ रहे हैं। टाइफाइड के केसेस भी काफी फैल रहे हैं, तो हम यही कहते हैं कि जो भी मन करे आप घर पे बना के खा लीजिए। अनकुक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, एंड फास्ट फूड का बहुत मन करे तो लिमिट कीजिए वंस अ वीक वन मील। मैम, हेल्दी बेबी की चाहत हर कोई रखता है, तो क्या ऐसे टिप्स अपनाने चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारी बेबी की सेहत के लिए अच्छा हो? पहले आप टाइम से अपने गायनेक को विजिट कीजिए, है ना। टाइमली ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में, और जो 5th मंथ अल्ट्रासाउंड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपनी तरफ से मेक श्योर कि डेली आप एटलीस्ट वॉकिंग कीजिए या डॉक्टर प्रिस्क्राइब एक्सरसाइजेस, एक हेल्दी डाइट और अपनी नींद पूरी कीजिए। अगर आप वर्किंग है तो ऑफ कोर्स यू कैन कंटिन्यू वर्किंग, बट विद सर्टेन प्रिकॉशंस एज एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर। मैम, पुराने टाइम की महिलाएं मानती थी कि डिलीवरी का टाइम जैसे पास आता है, तो कुछ पोजीशंस लेडीज को ऐसी करनी चाहिए जैसे पोछा लगाना वगैरह, ये सब चीजें कितनी जरूरी है? देखो, कोई चीजें हैं जो पुराने जमाने की है जो मैं मानती हूँ डेफिनेटली फायदा करते हैं, लेकिन हर चीज के अपनी टाइम होती है। आफ्टर अ पेशेंट रीचेस द एंड ऑफ हर प्रेगनेंसी, यानी जो थर्ड ट्रेमेस्टर होता है, तब हम भी कहते हैं कि आप धीरे धीरे अपने स्क्वाटिंग एक्सरसाइजेस या जो पोछा लगाना था वो शुरू कर सकते हैं, है ना। कोई कंडीशंस होते हैं जिनमें हम पेशेंट को बेड रेस्ट या फिर स्लोली आगे बढ़ने के लिए कहे, है ना। जैसे अगर प्लेसेंटा लो लाइंग है या फिर उनको कोई पेन हो रहा है, तो फिर गायनी के एडवाइस से वो आगे बढ़े, नहीं तो जरूर वो शुरू कर सकते हैं, बट आफ्टर 32 वीक्स। मैम, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेडिसिन डॉक्टर्स अब प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट्स के लिए, काफी सारे पेशेंट्स उनको खाने से बचते हैं, आप किस तरीके से बताएंगे बेबी के और मदर की ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? I believe that the patient is the best judge of her baby's health. है ना, मदर जानती है जो बेबी के लिए बेटर है वो चीज खाई जाए, वो चीज ली जाए। मेडिसिन पेशेंट के हिसाब से भी दिए जाने चाहिए, ना कि केवल डॉक्टर के हिसाब से। कोई टैबलेट्स होते हैं जिससे गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, हमारे पेशेंट्स को सूट नहीं करते, तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को पूछती हूँ कि क्या वो टैबलेट्स आपको सूट किए, वर यू एबल टू हैव देम। देयर आर मेनी ब्रांड्स एंड फॉर्मुलेशन अवेलेबल जो पेशेंट को सूट करें। तो मेरा केयर होता है पेशेंट सेंट्रिक, जिससे मेरा पेशेंट कंफर्टेबल है वही मेडिसिंस देके हम आगे बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स फोलिक एसिड टैबलेट्स फर्स्ट 3 मंथ में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। 12 हफ्ते के बाद आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन टैबलेट्स एंड एट अ लेटर स्टेज विटामिन डी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बट एक तरीका होता है देने के लिए, हम पेशेंट्स को कहते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही धीरे धीरे शुरू कीजिए। मैम, आजकल प्री मेच्योर डिलीवरीज बहुत देखा जा रहा है, इसके क्या कॉजेस हैं, क्या कारण है कि प्री मेच्योर डिलीवरीज बहुत अक्सर हो जाती है? सर, ये प्री प्रेगनेंसी जाके हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलिटी इश्यूज भी पेशेंट्स फेस कर रहे हैं। पेशेंट्स हैव टू गो फॉर मेनी टाइम्स IUI और IVF प्रेगनेंसीज, और ये प्रेगनेंसीज देमसेल्व्स आर लिंक्ड विद कॉम्प्लिकेशंस लाइक डायबिटीज, लाइक हाइपरटेंशन एंड इवन प्री टर्म डिलीवरीज। दूसरी चीज है कि कोई पेशेंट को एक बार अगर प्री टर्म डिलीवरी हो तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी प्री टर्म का रिस्क बढ़ता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रख के हमें हर प्रेगनेंसी एक की केयर अलग से लेनी पड़ेगी। अगर पेशेंट को प्रीवियसली प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क रहा है, तो कभी कभी हम 12 वीक्स पे सर्वाइकल स्टिच एडवाइस कर सकते हैं, हम सर्टेन इंजेक्शंस और प्रिकॉशंस एडवाइस कर सकते हैं, तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। मैम, एट लास्ट हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए क्या टिप्स अपनाना चाहिए, और आजकल की जनरेशन के लिए आपकी क्या सलाह है, वो भी हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं ये कहूंगी कि केवल प्रेगनेंसी के लिए नहीं, बट एक हैप्पी और हेल्दी लाइफस्टाइल ही अडॉप्ट कीजिए, वेदर यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी और नॉट।
है ना, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे यंग गर्ल्स भी आते हैं और ये इशू बहुत, मैं के बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि पीसीओएस पीसीओडी का प्रॉब्लम भी बहुत फैल रहा है एंड इट इज रिलेटेड टू आवर हेल्थ, है ना. गर्ल्स एज यंग एज 12 एंड 13 आर कमिंग विद पीरियड इशूज, हेल्थ इशूज एंड एट अ लेटर स्टेज उनको फर्टिलिटी प्रॉब्लम या डायबिटीज प्रॉब्लम भी हो रहे हैं. तो बहुत यंग एज से स्लीप, रेस्ट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिडक्शन, होम फूड, डायट्री काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब एक पेशेंट प्रेग्नेंट होती है उनको ये याद रखना है कि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना, जिससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं. तो अपने लिए एटलीस्ट 15-20 मिनट दिन के निकाले, है ना. इनफैक्ट आजकल हम देखते हैं जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं वो फिर भी टाइम निकाल पाते हैं अपने लिए, लेकिन जिनका सेकेंड या थर्ड बेबी होता है वो अपने फर्स्ट बेबी को ही टाइम देते हैं एंड देन देयर आर मोर कॉम्प्लिकेशंस इन द सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी. तो इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम एडवाइस करते हैं प्रीनेटल योगा क्लासेस, एक्सरसाइज, है ना, टेलर डाइट चार्ट, हमारे हॉस्पिटल में ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ओके, थैंक यू.